आज मैं आपसे कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करूंगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आज हम सबकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हमें अपने आसपास ही बीमारी से होने वाली मृत्यु की हौलनाक घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। ऐसी हर घटना हमारा दिल कपा जाती है। अरे देखो तो अभी उम्र क्या थी उसकी, बस 30 साल, ये भी कोई उम्र है हार्ट अटैक से मरने की। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर हम अंदर ही अंदर थोड़ा भयभीत और सावधान भी हो जाते हैं, पर कुछ दिनों की सावधानी के बाद हमें वापस अपने ढर्रे में आने में देर नहीं लगती। फिर वही तलावा भोजन, फिर वही भूख से ज्यादा खाना, फिर वही गुस्सा, वही तनाव, वही झगड़े। अगर आप इस कुचक्र में हैं, तो इस एक चीज है जो आपको न सिर्फ इससे बाहर निकाल सकती है, वह आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकती है। यह जो चीज है आपके भीतर भरी हुई है, इतनी कि अगर आप पूरी जिंदगी इसे बाहर उलीझते रहें तो भी इसे जरा भी खत्म नहीं कर पाएंगे। यह चीज ही ऐसी है। जी हाँ, मैं कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। जिस तरह आपने क्रोध, दया, प्रेम के भावों को महसूस किया है, ग्रेटिट्यूड के भाव को भी जरूर महसूस किया होगा। जब कभी आपका सामना दुख, तकलीफ और दुर्दिनों से गुजरते लोगों से हुआ होगा, क्षण भर को आपके मन में यह भाव जरूर कौंधा होगा, ओह मैं कितना खुश किस्मत हूँ कि मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ा, ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया। यह जो मन में आपके भाव उठा, यही तो ग्रेटिट्यूड का भाव है। 2015 में कैलिफोर्निया और मियामी यूनिवर्सिटीज के दो मनोवैज्ञानिकों ने कृतज्ञता के शरीर पर पड़ने वाले इफेक्ट्स पर एक स्टडी पब्लिश की। इस स्टडी में उन्होंने बताया कि कृतज्ञता के भाव से भरने वाले लोग ऐसा न करने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा आशा से भरे हुए और पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे शारीरिक स्तर पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और बीमार भी कम पड़ते हैं। कृतज्ञता का सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है, क्योंकि वह हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रखता है। इसका असर दिल पर भी पड़ता है और वह ज़्यादा हेल्दी रहता है। अब सवाल यह है कि कृतज्ञ होने का भाव पैदा कैसे हो। वैसे तो हजार तरीकों से आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। यही क्या कम है कि आप कृतज्ञता पर कहे जा रहे मेरे इन शब्दों को सुन पा रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अलग अलग कारणों से रोज लगभग 1,60,000 लोग मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। हम सकुशल हैं, हमारा कोई अपना भी इन लाखों जनों में शामिल नहीं। क्या यह कृतज्ञ होने के लिए पर्याप्त नहीं? आप जब सुबह उठकर कमरे के पर्दे हटाते हैं और सामने सूर्योदय का सुंदर सा नज़ारा देखते हैं और भरपूर अंगड़ाई भरते हैं, क्या इस पर आपको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? आप एक बहुत ही संजीदा, समझदार पति पत्नी हैं, आपको बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, आपकी एक प्यारी सी संतान है, घर में गुजारा करने लायक पैसा आ ही जाता है, परिवार के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपके हाथ पैर काम करते हैं, आप देख सुन सकते हैं, आप गहरी सांस भर सकते हैं। कृतज्ञ होने की वजहों का अंबार लगा हुआ है आपके जीवन में। जैसे ही आप कृतज्ञ होते हैं, गहराई तक अहोभाव से भर जाते हैं। यही अहोभाव आपकी कोशिकाओं में बहने लगता है। आपकी माँ जीवित है, यह अपने में ऐसा फैक्ट है जो आपकी चेतना में कहीं उपस्थित है। ग्रेटिट्यूड का भाव इस फैक्ट को सक्रिय बनाकर इसे चेतना की सरफेस पर ले आता है। घर में कार होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कार होने के कारण भी कृतज्ञ हुआ जा सकता है। बहुत छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं और हमें होना ही चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर कौन जानता है कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हम खाली हाथ ही दुनिया में आए थे, सब कुछ तो हमें यहीं से मिला। कृतज्ञता एक विलक्षण संजीवनी है। अगर खुद ब खुद मिलती हो, यानी आपके मन में कृतज्ञ होने का भाव स्वयं उठता हो, तो ठीक, अन्यथा आप सुबह उठने के बाद कृतज्ञता के भाव से भरने का अभ्यास करें। इससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, फायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हुए
और कुछ नहीं भी तो आप बिना एक्सरसाइज के भी स्वस्थ रह सकते हैं, और साथ में अगर एक्सरसाइज भी करने लगें तब तो सोने पर सुहागा ही हो जाए।